मेरा नाम दीपक कन्नौजिया है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी किया। वर्तमान समय में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान विभाग में। दोस्तों, 2014 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने गया तो मैं वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। एसएससी की कोचिंग करता था। बीए सेकेंड ईयर में मैंने लेखपाल का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा चयन नहीं हो पाया। तो 2016 के बाद जो 2017 में जब चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं क्षेत्र में, और योगी जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और दोनों लोग ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इंटरव्यू हटा देंगे ग्रुप सी और डी की नौकरियों से, ताकि जो इंटरव्यू में खेल होता है वो खेल नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों, इस सरकार ने इंटरव्यू तो हटा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैकेंसी ही नहीं आई ग्रुप सी और डी की। तो इंटरव्यू हटाने का क्या फ़ायदा मिला? तो और उसके बाद से लेखपाल की 2016 के बाद से एक वैकेंसी आई भी, तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है। और दूसरी बात कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं 2014 में प्रवेश लिया तो मैं एससी कम्युनिटी से हूँ और मैं जनरल में क्वालिफाई करके प्रवेश लिया। उसके बावजूद भी मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाया, और जनरल कम्युनिटी के भी लड़के जिनका अप्रोच था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग हॉस्टल मुझसे कम नंबर पाने के बाद भी हॉस्टल उनको मिल गया, हमें हॉस्टल नहीं मिल पाया। मैं कैसे भी सर्वाइव किया। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र थी, 3500 रुपये महीना पाती थी। मेरी चार बहनें हैं, वो भी पढ़ती थी। मतलब कैसे भी करके मेरा मतलब हॉस्टल से तो मैं कैसे भी करके अफोर्ड किया, ग्रेजुएशन किया। फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें 2017 में पेपर लीक हुआ एसएससी सीजीएल का, और उसमें खुराना उस समय अध्यक्ष थे एसएससी के, और इसके बाद वैकेंसी आना लेट हो गया एसएससी का। और तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अब पीजी कर लूँ। एसएससी की प्रिपरेशन से मैं हट गया, मैं पीजी कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, 3 बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मैंने बीएड किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और बीएड करने के बाद मैं सीटेट कर लिया, टेट निकाल लिया, और 82 नंबर चाहिए एससी के लिए, मेरा 100+ है सीटेट में। तो उसके बाद भी 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई और मैं अब तक बेरोजगार हूँ। पीएचडी कर रहा हूँ, उम्मीद है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो थोड़ा डर लग रहा है कि इतना संघर्ष के बाद इतना आगे बढ़े और कुछ हो नहीं रहा। मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, 3 साल मुझसे छोटी है। बिहार का जब फॉर्म आया बीएड करने के बाद, वो एमएड की, बिहार का जब फॉर्म आया तो मैंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो मैंने वो फॉर्म उससे भरवाया। बोली भैया आप भी भर दो। बोला नहीं, मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि 2 साल पहले मैं पीजीटी का फॉर्म यूपी में भरा हूँ, 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम इसको भर लो और 1.5 साल में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं पीजीटी का फॉर्म नहीं भरा। मेरे पास डिग्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, बिहार एक कह लीजिए, मुझे लगा कि यूपी में मुझे मेरा एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तब तक एग्ज़ाम नहीं हो, एग्ज़ाम जो है अब तक नहीं हुआ है पीजीटी का यूपी में। 2.5 साल पहले मैं फॉर्म भरा था, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट 51 का जो 2 साल पहले फॉर्म भरा गया। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है, और कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है कि हम वैकेंसी को बहुत नियमित कर देंगे, बहुत सही समय से कर देंगे। 2 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, अब बिहार सरकार ने 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जिनकी पार्टी इंडिया अलायंस में माननीय राहुल जी के साथ है, उनकी सरकार ने 6 महीने में 2-2 वैकेंसी करा दिया और 2,10,000 नौकरी दे के दिखा दिया। और उसी में मेरी बहन क्वालिफाई हुई, और सीवान जिले में, मैं बलिया का हूँ तो सीवान बगल में लगता है, वहाँ से वो मेरी सिस्टर जो है इस समय टीचर है पीजीटी में।